अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लेटर पेज पे भी लिखा पड़ी है सर, पेमेंट ना ईपीएफ ना पीएफ, काम ये करते हैं ईपीएफ पीएफ के कागज किसी और के लगते हैं सर, पैसा के लिए पेमेंट के लिए अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, ना काम कोई और करता है, पीएफ किसी और के कागज लगाता है सर, काम कर रही क्या अपने यहां पे सर, वो टेंडर आज ही के रहा था, कोई ये कर रहा है काम करते थे सभी वर्कर लोग, उसका सुपरवाइजर था, उस कंपनी द्वारा हर वार्ड में कर्मचारी लगाए गए थे, नाला गेंद वगैरह आरडब्ल्यू वार्ड में सभी कर्मचारी, जिसका ना ईपीएफ ना पीएफ ईआईसी कुछ भी जमा नहीं हो रहा है, अपन उसको फ़ोन लगाते हैं तो उल्टा अपन को ब्लैक लिस्ट कर देता, नंबर ब्लैक लिस्ट कर देता, धमकी देता, जबकि उसके लेटर पेड पर भी अपने सब लिखा पड़ी है, सब कुछ है, ऊपर से 4 लाख का काम होता है नगर निगम में, 4 लाख का काम करती लेबर तो लगातार 7 लाख का भी, उसके भी रिकॉर्ड हमारे कहने सब रखे हुए हैं, यहाँ से नगर निगम से भी नोटिस चले गया उसको पेमेंट का, ये पैसा ही का। अभी कितने वहाँ से आपको पेमेंट नहीं मिला? साल भर होना आ गया। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे हैं आप जी? कितने समय हो गया आपको काम करते करते? उसका टेंडर था मतलब 34 लाख का टेंडर हुआ था, जिसमें उसने मतलब 20 लाख पे काम करा, उसने लगा दिया 34 लाख के बिल, और साल भर हो गया उसको टेंडर खत्म हुए तो। आप कितने कर्मचारी हैं जिनका? करीबन 100 कर्मचारी है, कितने अभी आए नहीं है, क्योंकि क्या पेमेंट थी आप लोगों को? पेमेंट उसके ऊपर अभी हमारा 5 लाख का बताया, जिसका उसके लेटर पेट पे भी लिखा है नगर निगम से, और ईपीएफपीएफ की ये समस्या है कि सर काम लोग ये करते सब लोग, और ईपीएफपीएफ दूसरे का जमा होता है, उस पर कागज दूसरे के लगते हैं, करके जिसने हमारा पेमेंट नहीं दिया था उस पर भी कार्रवाई चल रही है, बनी ये एक सर्विस मैन है जबलपुर की, ये उनको आप कहते हैं पेमेंट वगैरह तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? गोविंद नागर। कितने कर्मचारी थे आप? सर हम 100 से अधिक कर्मचारी है, जिसके जिसको हमने कोतवाली में भी आवेदन दिया है, और एक हफ्ते में आने का बोला, जिसमें सारे कागज मैं भी पेश करूँगा, वो भी पेश करेंगे, जिसमें सबकी हाजिरी वगैरह सारी डिटेल है, कितने का काम हुआ, कितने का नहीं हुआ है, और कितने के बिल लगाए इन्होंने। जी सर।